अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई इफेक्टिव सा एंटी एजिंग एक टोनर की रेमेडी देने लगी हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और डिफरेंट चीज़ों से हम तैयार करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी इसकी जो रेमेडी है वो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और जहाँ तक भी आपकी रसाई अपनी फैमिली फ्रेंड व्हाट्सएप पर फेसबुक पर अपनी बहन की मदद करिएगा, चैनल को आगे तक पहुंचाइएगा। वीडियो को रोज़ाना देखा करें, बहुत ही आसान और कम अज़ा के साथ और कम बजट में जो कि मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ, ये बहुत ही महान चीज़ें हैं जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। और अगर बआसानी से अगर आप इनको बाहर से भी परचेज़ करना चाहें तो ये बाहर से भी बहुत ही आसानी से और कम प्राइस में ये परचेज़ हो जाती हैं। तो ये जो आज की रेमेडी है ये एंटी एजिंग है, ये एक टोनर और एक क्रीम की रेमेडी मैं आप लोगों को इस साथ शेयर करने लगी हूँ। ये किस चीज़ के साथ हम बनाने लगे हैं सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हमने ये रोज़ पेटल यानी कि ड्राई गुलाब के फूल की पत्तियाँ, ठीक है। और इसके बाद ये मेरे पास है इस तो खदूस, ठीक है, ये ले लेना है हमने। ये पंसार शॉप से आप कहेंगे तो ये ऐसी चीज़ें ये बआसानी हर जगह से मिल जाती हैं, छोटी जगह हो बड़ी जगह हो कहीं से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तो खदूस है मेरे पास और ये मेरे पास है बबूना, ठीक है, इसको चारमोरिया भी बोलते हैं और बबूना, ठीक है। ये लेवेंडर है यानी कि ये इस तो खदूस और ये रोज़ पेटल है, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक गिलास पानी फुल एक गिलास भर के पानी का, और ये मैंने दो दो टेबलस्पून ये चीज़ें ली हैं, दो टेबलस्पून इस तो खदूस, दो टेबलस्पून गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है, और दो टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर चारमोरिया का डाल देना है, ठीक है जी। ये डाल के इनको मैंने बॉयल करना है, मीडियम आंच पे मैंने इनको बॉयल करना है इतनी देर कि इन तमाम चीज़ों का असर उस पानी के अंदर आ जाए। हाई फ्लेम पे नहीं करना, जब इसके ऊपर ढक्कन दे के आपने इसको बॉयल करना है। ढक्कन देने का मकसद ये होता है कि जब चीज़ के ऊपर ढक्कन दिया जाता है तो उस जो पानी की स्टीम बन के निकलती है ना, जो हमने चीज़ अंदर डाली होती है, तो वो जो है ना वो इसको इसके जो असर होता है, ठीक है, ये एक अर्क जैसा होता है ना वो होता है। अगर आप ढक्कन उठा के इसको बॉयल करेंगे ना तो वो पानी जो स्टीम है ना वो बन के उड़ जाएगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आपने इन चीज़ों को मीडियम आंच पे तीनों को ना एक गिलास पानी के साथ बॉयल करना है और एक गिलास पानी आधा गिलास आपके पास रह जाना चाहिए, ठीक है जी। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों को बॉयल करने लगी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने बॉयल कर लिया, ये आधा ग्लास मेरे पास पानी बच गया, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बॉयल कर ली, ठीक है। तो अब इसको हम एक तरफ कर देते हैं और ये हमारा अब एक बनेगा फेस टोनर और इसी के साथ हम बनाएंगे एक क्रीम, ठीक है जी। ये हमारा फेस टोनर बन गया, ठीक है, और हम इसकी एंटी एजिंग स्किन को वाइट ब्राइट करने वाली दाग धब्बे दूर करेगी स्किन के ये क्रीम हम बनाने लगे हैं। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा और एक अदद विटामिन ई का कैप्सूल। एक टेबल स्पून हमने ये वाला पानी ले लेना है, ठीक है, इसके अंदर है एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये 4000 mg वाला है। और एक टेबल स्पून भर के हमने डालनी है एलोवेरा। इसको आपने नाइट में इस क्रीम को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अंदर ये हमने ये बूटा डाल दिया। और साथ में हमने इसके अंदर जो लास्ट हमारा अच्छा है वो डालेंगे और भी स्किन को ब्राइट ब्राइट टाइट करेगा। स्किन के दाने दाग धब्बे हैं, इसको रोज़ाना आपने लगाना है।
इसके अंदर हमने डालना है हाफ टी स्पून जितना कॉर्नफ्लोर पाउडर। ये देखें, अब आपने इसको फ्रिज में रख लेना है और इसको आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपके फेस के ऊपर और जो कि दानों के निशान आते हैं वो हैं, छाइयाँ हैं, ठीक है, झुर्रियाँ, फाइन लाइन है, कुछ भी है, ये सब के लिए ज़बरदस्त है, एंटी एजिंग है, तो हर चीज़ पे ये काम करेगी, ठीक है। आपने इसको नाइट में इस क्रीम को लगाना है और इस टोनर के साथ आपने अपने फेस को क्लीन करना है। जब भी आप कुकिंग करके फारिग हुए हैं, बाहर से आई हैं, वर्किंग वूमेन है, जो भी काम वगैरह करके, ठीक है, तो उसके बाद जब भी आपने अपने फेस को क्लीन करना है तो सबसे पहले आपने इस टोनर के साथ अपने कॉटन बॉल के साथ या स्प्रे बॉटल के अंदर आपने इसको डाल के, जो कि गुलाब वाली होती है, तो उसके अंदर डाल के आपने फेस को क्लीन करिएगा, तो और रात को आपने इस क्रीम को लगाना है। आप अपनी उम्र से का इतने आधे उम्र कम लगेगी कि सब आपसे राज पूछेंगे कि भाई आपकी इतनी खूबसूरत स्किन का राज क्या है। तो ये है इस खूबसूरत आपकी स्किन का राज, ये आपकी स्किन को इतना ज़बरदस्त, ये देखें, ब्राइटनेस देगी, सॉफ्टनेस इतनी ज़बरदस्त है इसके अंदर कि कमाल की। जब भी कोई ऐसे आपके हैंड के ऊपर हाथ लगाएगा तो ऐसे भी से जैसे बेबी सॉफ्ट आपकी हैंड है, तो सब आपसे पूछेंगे कि इतनी ग्लोइंग, इतनी सॉफ्ट स्किन का राज। तो ये राज था जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आई एम श्योर आपको रेमेडी पसंद आई होगी, अच्छी लगी, तो आगे भी मज़ीद देखिएगा। मिलते हैं फिर एक, अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर एक नई और डिफरेंट सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़, कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेली वीडियो देखा करें।